अल्ट्राट्रैक कंपनी भारत की नंबर वन कंपनी है दोस्तों, जो कि वर्ल्ड में यहाँ पे चौथे नंबर पर आती है। इसका नाम दोस्तों यहाँ पे भारत से ही शुरू हुआ, आदित्य बिड़ला ग्रुप से, जो कि दोस्तों आज के समय इतना बड़ी यहाँ पे कंपनी बन चुके, ब्रांड बन चुका है, जो इंडिया और श्रीलंका समेत अन्य 30 देशों में यहाँ पे अपनी सर्विस दे रही है। इसका नेटवर्क यहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हो कि जो कि वर्ल्ड की चौथे नंबर की यहाँ पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, साथ ही सप्लायर कंपनी, इसका दोस्तों सबसे ज्यादा जो सेल होने वाला प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर ग्रे सीमेंट। तो आज की वीडियो आपको पता चलने वाला है कैसे आप यहाँ पे आदित्य बिड़ला ग्रुप के यहाँ पे सबसे बड़े ब्रांड अल्ट्राटेक सीमेंट की यहाँ पे डीलरशिप ले सकते हो, और इसके अपने एरिया में यहाँ पे अपनी सिटी में इसके यहाँ पे डीलरशिप लेके, एजेंसी लेके इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इसकी डीलरशिप लेते हो, एजेंसी लेते हो, तो ये जो बिजनेस है इसमें आप कभी भी यहाँ पे लॉस में नहीं जाने वाले, क्योंकि दोस्तों ये इतना बड़ा ब्रांड है, आप इसको लेंगे तो हमेशा यहाँ पे फायदे में ही रहने वाले और प्रॉफिट में ही रहोगे। तो आज हम ऐसे ही 5 मिनट में बात करने वाले, जिसे समझ के आप आसानी से बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो और इसमें अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो वीडियो को दोस्तों पूरी और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड, कहते हैं आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जाके लाइक करके सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, अब आपको इसके लिए यहाँ पे स्पेस कितना चाहिए होगा, तो सबसे पहले बता दूं, आप अगर इसकी एजेंसी लेते तो आपके पास में यहाँ पे 2 टाइप के स्पेस होने चाहिए, पहला आप शॉप के लिए और दूसरा गोदाम के लिए जिसमें आप माल रखोगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, आप इसके लिए आप लोकेशन कहाँ रख सकते हो, तो आप ये गोदाम है या आप सिटी के अंदर रखते हो, लेकिन ये ऐसी जगह आपको रखना होगा जहाँ गाड़ी वगैरह आराम से आ जा सके, क्योंकि दोस्तों ये जो माल सीमेंट वगैरह के जो कट्टे होते हैं ये आपके यहाँ पे बड़ी गाड़ी में आने वाले हैं, तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे खास ध्यान रखना होगा कि जहाँ आपका गोदाम हो वहाँ तक गाड़ी आराम से आ जा सके, किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो आपको यहाँ पे ऐसी लोकेशन देखनी होगी गोदाम के लिए। इसके अलावा जो छोटी गाड़ियां हैं, जब आप यहाँ पे मार्केटिंग करोगे, जो ट्रेडर्स होंगे वो आपके पास यहाँ पे माल लेने के लिए आएंगे, तो वो अपनी गाड़ियां लेकर आएंगे, जैसे कि चैंपियन हो गया, छोटा हाथी हो गया, तो उनको आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ऐसी जगह पे आपको यहाँ पे गोदाम रखना होगा। वहीं हम स्पेस की बात करें, आपका शॉप का जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, वो कम से कम दोस्तों 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। वहीं हम गोदाम की बात करें तो वो 200 से लेकर 800 स्क्वायर फीट होना चाहिए, मतलब कि दोस्तों दोनों अगर एक ही जगह मिल जाते हैं तो आपका 1000 स्क्वायर फीट में भी यहाँ पे काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अब आपके पास में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे जरूरी चीज़ होती है दोस्तों इस बिजनेस के लिए, तो सबसे पहला तो दोस्तों आपके पास में यहाँ पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके यहाँ पे बैंक की पासबुक होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे आप कंपनी से आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करोगे तो कंपनी को आपको ये दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके पास में यहाँ पे GST नंबर भी आपका मौजूद होना चाहिए, अगर आपके पास में GST नंबर मौजूद नहीं है तो अभी उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस बिजनेस के लिए GST नंबर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है। साथ ही आपके पास में जीमेल अकाउंट होना चाहिए और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें दोस्तों आपके पास में है तो आप इस बिजनेस के लिए आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको इसमें मैन पावर की कितनी जरूरत होगी, तो दोस्तों आपको बता दूं ये बिजनेस ऐसा है, इसमें मैन पावर की यहाँ पे जरूरत आपको पड़नी ही पड़नी है, तो आपको कम से कम स्टार्टिंग में आपको 2 बंदे ऐसे रखने होंगे जो आपके साथ में यहाँ पे काम करेंगे, जैसे कि कहीं माल लेके जाना हो, माल पहुंचाना हो, या फिर लोडिंग करवानी या फिर अनलोडिंग करवानी, इस तरह के सारे काम वो 2 बंदे हैं आपके यहाँ आपको रखने होंगे, वो ये 2 बंदे यहाँ पे संभालेंगे। तो आप इन्हें चाहो तो दोस्तों यहाँ पे मंथ के हिसाब से भी आप देख सकते हो, या फिर आप उनको डेली का भी यहाँ पे पे आउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको दोस्तों एक व्हीकल भी आपको रखना पड़ेगा, जिसमें कि आपके जो ट्रेडर्स होंगे उनको यहाँ पे सप्लाई अगर वो मांगने लगे तो उनको सप्लाई दे सको, इस तरह से आपको एक छोटा हाथी आप लेना पड़ेगा। जरूरी है दोस्तों आप उसे नया ही लो, आप यहाँ पे सेकेंड हैंड भी ले सकते हो, जिसमें कि दोस्तों कई बार क्या होता है अगर आपके पास में एकदम से सडनली ऑर्डर आ गया कि हमें इतने बोरे यहाँ पे सीमेंट के चाहिए और इस जगह पर चाहिए, तो आप उसे तुरंत के तुरंत उस ऑर्डर को यहाँ पे पूरा कर सको, माल को यहाँ पे पहुँचा सको, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे एक सेकेंड हैंड यहाँ पे छोटा हाथी लेना होगा। आप दोस्तों नहीं ले सकते तो आपके कोई रिलेटिव में या फिर यार दोस्त या फिर कोई फ्रेंड हो जो यहाँ पे गाड़ी चलाता हो, आप उससे भी यहाँ पे टाई अप करके रख सकते हो, बात करके रख सकते हो कि हमारे पास में इस तरह का ऑर्डर है और यहाँ पर ये माल पहुँचाना है, तो क्या आप ये माल पहुँचा सकते हो, और आपको जितना भी जो पे आउट होगा आपका वो हम आपको यहाँ पर दे देंगे, तो वो दोस्तों मना नहीं करेगा। और इसमें आपका जो स्टार्टिंग आप जो बिजनेस कर रहे हो ये इसमें आपका यहाँ पे काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर जब दोस्तों आपका यहाँ पे काम अच्छा चलने लग जाएगा तो आप फिर चाहो तो आप अपनी खुद की नई गाड़ी भी यहाँ पे निकलवा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, अब आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और उससे अर्निंग कितनी होने वाली है। अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे अगर आप जमीन लेते हो, अगर यहाँ पे खुद की आप जमीन लेते हो, तो जो आपका दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाने वाला है, क्योंकि फिर आप यहाँ पे पता कीजिए वो जमीन है वो यहाँ पे उसका जो रेट है वो क्या चल रहा है,
या फिर वो कितने की पड़ने वाली है। या फिर दोस्तों अगर यहाँ पे आप रेंट पर लेते हो जिसमें आपकी शॉप हो गई, आपका यहाँ पे गोदाम हो गया जो कि आपको सिटी के अंदर मिल जाता, तो यहाँ फिर आपका यहाँ पे सस्ते में ही काम हो जाएगा। यहाँ हम सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो कंपनी आपसे यहाँ पे 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक सिक्योरिटी अमाउंट लेगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे माल भी उठाना पड़ेगा, प्लस आपके पास में एक व्हीकल होना चाहिए जिससे कि आपके आसपास के जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं या उनको यहाँ पे सप्लाई दोगे, उनके पास आप जाओगे जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अलग हो जाएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स से टाई अप कर लेते किसी गाड़ी वाले से तो आपका थोड़ा यहाँ पे पैसा बच जाएगा। यहाँ कुल मिला के बात करें तो टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं यहाँ पे अल्ट्राटेक की यहाँ पे एजेंसी लेती हूँ तो आपका यहाँ पे 6 से लेकर 8 लाख तक आपका यहाँ पे खर्च हो जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पे सारी चीज खुद अपनी यहाँ पे खरीद कर फिर इस बिजनेस को यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो ये जो खर्चा है आपका ये 10 से लेकर 15 लाख तक यहाँ पे आपका खर्च इसमें होने वाला है। देखो ये कोई करेक्ट खर्चा नहीं है कि आपका इतना ही होगा, लेकिन मिनिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 लाख से आपका यहाँ पे खर्चा कम नहीं होने वाला है। 5 लाख भी जो आपके जो खर्च हो रहे हैं वो भी बहुत जुगाड़ से हो रहे हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे शॉप रेंट पे ले रहे हो, गोदाम भी रेंट पे ले रहे हो, और जो आपका जो व्हीकल है वो आप यहाँ पे 2 से कंबाइन करके उससे टाइप करके तब आप यहाँ पे काम चला तब जाके आपके यहाँ पे 5 लाख है। बाकी आप मान के चलिए 5 लाख से आपका यहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट की कोई उम्मीद यहाँ पे है ही नहीं। आप 5 लाख से ऊपर यहाँ पे जितना भी लगा सकते हो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख उतना ऊपर यहाँ पे आप लगा सकते हो, उतना आप माल भर सकते हो। तो यहाँ जो आपका जो खर्च है वो सिर्फ यहाँ पे कैपिटल जो आपका खर्च हो रहा है वो सिर्फ यहाँ पे 5 लाख रुपये हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, अब आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आपके पास में सारी चीज प्रॉपर है और आप एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल बाकी सब कुछ दे दूंगा। इसमें क्या आप कंपनी को आप मेल भी कर सकते हो, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप इनकी अल्ट्राटेक की जो डीलरशिप है वो यहाँ पर ले सकते हो। जो आगे का दोस्तों जो भी प्रोसेस है वो आप इनसे बात करके आप एक डायरेक्टली पता कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, कहते हैं आप यहाँ पे अल्ट्राटेक की यहाँ पे डीलरशिप ले सकते हो, एजेंसी ले सकते हो और इसके साथ यहाँ पे जुड़ के बिजनेस कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।